ये सेशन मैं इसलिए लेके आई हूं बेटा, क्योंकि मुझे ये चीज महसूस हुआ कि एसएससी के बाजार में अगर खरीद फरोख्त हो रहा है तो क्यों हो रहा है। पहले जब हमारे स्टूडेंट्स टॉपर होते थे, पहले क्यों सीपीयू एसआई का पिछले साल टॉपर था बेटा, वो आया मिठाई खिलाया धूम मचाया हमारे साथ, हम तो उनके साथ सड़क पे नाच लिए है ना, और उसके बाद चला गया। इसका मतलब है कि आप हमारे साथ खुशी शेयर करने आते थे, लेकिन पिछले एक दो साल से हमने एक ही चीज पाया कि भाई अंडर द टेबल बहुत कुछ चल रहा है, क्यों चल रहा है नहीं पता। फिर एक वॉर आया कि भाई हम अच्छा हम अच्छा हम अच्छा हम अच्छा। बेटा केडी कैंपस में और केडी लाइव में, केडी कैंपस और केडी लाइव में आपको मैं एक चीज बता दूं, मैं अपने टीचर्स के अमंग और अपने स्टाफ के बीच में फेमस नहीं हूं। क्यों फेमस नहीं हूं वो मैं बताती हूं। मेरा प्यार अलग जगह है, और जहां तक बच्चों का सवाल है, बच्चों को क्वालिटी के मामले में मैं आपको फ्रेंकली बताती हूं, जब भी मैंने एडवर्टीजमेंट दिया किसी टीचर का, मैंने लिख दिया है 5 years एक्सपीरियंस। बहुत सारे लोग कहते हैं मैम आप एक्सपीरियंस चाहते हो, एक बात मुझे बताइए, सब लोग एक्सपीरियंस पैदा थोड़ी होते हैं। मेरा एक ही चीज कहना है, केडी कैंपस और केडी लाइफ के प्लेटफॉर्म पे सिर्फ एक्सपीरियंस पढ़ाएगा, अगर आपको हाथ साफ करना है किसी और प्लेटफॉर्म पे साफ करके आइए। यहां पे 3 लेयर पे हम क्वालिटी एंड कंटेंट सब चेक कर रहे हैं। फर्स्ट लेवल में टीचर्स बनाते हैं, उसके बाद सेकेंड लेवल पे उनका पूरा कंप्लीट प्रूफ रीडिंग हमारे जो कंटेंट्स प्रोवाइडर है वो करते हैं, और तीसरे लेवल पे हमारे कम से कम 7 ऐसे स्टाफ बैठे हैं जिनका कोई काम नहीं है, वो सिर्फ दूसरे प्लेटफॉर्म पे वो पढ़ रहे होते हैं। समझ में आया, वो दूसरे प्लेटफॉर्म के मैथ्स के टीचर से या रीजनिंग के टीचर से पढ़ रहे होते हैं, और अपने टीचर के कंटेंट से और अपने टीचर के जो हम लोग पढ़ा रहे हैं उससे कंपेयर करते हैं, और उससे कंपेयर करने के बाद वो क्वेश्चन ऐड करते हैं कि सर ये टाइप है जो आपने छोड़ा है उस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाया गया। हमारे टीचर्स हमेशा एक प्रेशर में भी रहते हैं कि भाई हमें देना है बेस्ट देना है, लेकिन हम ये मानते हैं कि अगर क्वालिटी एंड कंटेंट्स देना है तो बेटा टीचर्स को अगर अच्छा देना है और इस 3 लेयर के अगर हमें चेकिंग करानी है तो बेटा उन 7 स्टाफ का भी सैलरी देना पड़ता है हमें, उन कंटेंट्स रीडर को भी सैलरी देना पड़ता है जो कंटेंट्स प्रोवाइडर है, और उसके बाद टीचर भी अच्छा खासा पैसा लेके जाते हैं। लेकिन अगर उन्हें आपको लगता है कि नहीं मैम फीस लो होनी चाहिए, फीस लो होनी चाहिए, तो मैंने अपने कुछ टीचर्स को, चुनिंदा टीचर्स से बात की, और सबसे पहले जो हमारे टीचर्स है बिल्कुल एकदम पूरी तरह से तैयार हो गए कि मैम जैसा आप कहोगे वैसा करेंगे। और आपको मैं बता दूं, सबसे पहले पुष्पेंद्र सर ने इस बात के लिए एग्री किए और वो अपना पूरा कंप्लीट इस बार कोर्स जो उनका 999 का था वो 599 में लेके आ गए। आपको मैं बता दूं एक चीज, पुष्पेंद्र सर मेरे साथ 2015 से जुड़े हैं, जिस समय से केडी कैंपस खुला है, उसके पहले वो एक दूसरे प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे थे जिनके साथ हमने जिन प्लेटफॉर्म के टीचर्स को पूरा मर्ज कर लिया था। बेटा यहाँ पे हम यूट्यूबर्स से नहीं पढ़वा रहे हैं जो रोज एक मोटिवेशनल वीडियो डालते हैं, रोज एक बनियान पहन के डालेंगे कि देखो हम कहाँ से कहाँ पहुंचे। बेटा अगर मैं अपनी कहानी सुनाने लगूँ, अपने स्ट्रगल की कहानी, तो शायद आप बैठे बैठे रो दोगे, क्योंकि मेरा स्ट्रगल इतना घटिया लेवल का स्ट्रगल रहा है कि हम बिल्कुल नीचे से ऊपर पहुंचे और ऊपर से फिर नीचे गिरे, घर में धोखा खाएं, फिर नीचे से फिर हमने केडी कैंपस 2015 में लेकर चली हूं मैं। तो बेटा हम यहाँ पे आपको इमोशनल फूल बना के अपना कोर्स नहीं बेचना चाहते हैं, इसीलिए मैं सिर्फ एक ही चीज कहूं कि बेटा इमोशनल फूल बनना बंद करिए। मैथ्स के टीचर से पढ़ना है तो उन टीचर से पढ़िए जो सालों साल एक्सपीरियंस्ड है। बेटा आप बहुत इनोसेंट बच्चे हो, अगर आप यूपीएससी के मार्केट में आइएगा ना, यूपीएससी में नए टीचर्स चल नहीं पाते क्योंकि पुराने टीचर्स जो सालों से पढ़ा रहे हैं उनका वर्चस्व है। सबसे पहले यूट्यूबर से पढ़ना बंद करिए, आप देख लीजिए मैथ स्पेशल इनका लेके आ गए हैं हम लोग सिर्फ 599 पे, और अब आप ये नहीं कह सकते कि मैम फीस ज्यादा है। पहली चीज, पहले अभी बेटा जो पटाखा है ना उसका टिप पे ही आग लगा रही हूं मैं, अभी कुछ नहीं है, अभी कुछ भी नहीं है, रुको।
फिर हमने बात की मोहित पात्रा सर से, मोस्ट विलिंग थे ये, कोई इश्यू नहीं, ये भी अपना 599 में लेके आ गए। और इस बार जो मेरे साथ 40 नंबर बैच में है टीचर्स, वो यही दोनों टीचर्स है। और जब इन लोगों ने अपना फीस कम कर दिया तो भाई जीएस वाले टीचर्स सारे कह दिए कि भाई हम लोग को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, जो आप कहेंगे बेटा। बहुत सारे बच्चे यहाँ कहते थे कि मैम जीएस तो 200 में पढ़ा रहे। बेटा जीएस 200 में वो लोग नहीं पढ़ा रहे हैं, वो लोग 200 पर सब्जेक्ट पढ़ा रहे थे, 200 रुपये में पर सब्जेक्ट पढ़ा रहे थे। 8 सब्जेक्ट होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, एक तो 3 साइंस में हो गया, ज्योग्राफी हिस्ट्री इकोनॉमिक्स पॉलिटी, और उसके बाद स्टैटिक, और उसके बाद और भी है जो रेगुलर बेसिस पे करंट होता है। बेटा इतना सब्जेक्ट, अगर 8 सब्जेक्ट हम मान के चले तो 8 to 16 1600 फीस होता जो ये 599 में है। बेटा सबसे पहले आप इस सेशन को शेयर कर लीजिए, और जो मैं आपको समझा रही हूं याद रखिएगा, मैथ्स पुष्पेंद्र सर विथ कलर्ड पीडीएफ। एंड सेकेंडली बेटा मैंने क्या कहा, हमारे 7 स्टाफ बैठे हुए हैं 7 लोगों को देखने के लिए, 3-4 तो शायद आप लोग ही नाम गिना दोगे, बाकी 3-4 जो आप नहीं जानते हो और वो भी अच्छा पढ़ाते हैं। तो 7 टीचर्स के कंटेंट्स देखकर वो हमारे टीचर जिनका भी बैच आने वाला होता है उनको बता देते हैं, सर आप ये क्वेश्चन स्किप कर दिए हो, इनको ऐड करिए। यानी कि अपडेटेड स्टडी मटेरियल जो पूरा कंप्लीट पीडीएफ, जो कलर्ड पीडीएफ होगा उसके साथ मैथ्स, कलर्ड पीडीएफ के साथ मोहित क्वात्रा। और बेटा जीएस में हम जितने भी सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, हिस्ट्री इकोनॉमिक्स पॉलिटी ज्योग्राफी एंड साइंस प्लस स्टैटिक जीके, और ये सारा कंप्लीट बेटा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मिला के आपके 3 सब्जेक्ट हो गए। ये 8 सब्जेक्ट के लोग 1600 रुपया लेंगे, लेकिन हम जो ले रहे हैं यहाँ पे सिर्फ 599। और बेटा इनके कारण, ये जो इन लोगों ने कम किया है उसके कारण मैंने अपनी फीस 1000 कम किया। पूरा केडी लाइफ की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, मैंने अपनी फीस जो है 3500 से सीधा 2500 किया है, और ये पूरा मिलाकर जो हम लोगों का पूरा कॉम्बो बैच है वो 3499 हो गया। हम 3 लेवल पे इंग्लिश पढ़ा रहे हैं बेटा, 3 लेवल पे इंग्लिश पढ़ा रही हूं मैं। एक तो जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो गोल्डन रूल्स बाय नीतू सिंह पे जुड़ जाइए, हम उसकी क्लास लेते हैं Monday to Saturday, और उसमें पूरा कंप्लीट मैं आपको बिल्कुल निचोड़ पढ़ा के 3 महीने में तैयार कर दूंगी, पहली चीज। दूसरा, सेकेंड बेटा आप याद रखिएगा, Volume 1 पूरा 500 पेज की बुक है, वो हम 999 में पढ़ा के VOD दे रहे हैं आपको। यानी कि सिर्फ 1000 से नीचे में आप चाहे तो Volume 1 ले सकते हो। और अगर कहोगे कि भारत का कोई भी एग्जाम हो, चाहे TGT हो, DSSSB हो, या फिर आप कहोगे कि CDS हो, NDA हो, CGL, CHSL, CPO, MTS, Steno, GD, जितने तरह के एग्जाम भारतवर्ष में हो सकते हैं, सब की तैयारी एक ही बार करके खत्म करनी है, बेटा मेरा फी बिल्कुल कभी भी इसके नीचे जा नहीं सकता, क्योंकि हमें 8 महीने लग जाते हैं इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट कराने में। याद रखना, इसके साथ अगर आप मैथ्स रीजनिंग और GS मतलब पूरा कॉम्बो ले लोगे, बेटा पहले हमारी फी 5499 थी, इस बार से 3499 है, आप देख सकते हो सीधा 2000 का कमी हुआ है। अगर आप खाली इंग्लिश ले चुके हो, बाकी 3 लेना चाहते हो, बेटा उसका भी एक कॉम्बो का अरेंजमेंट होने वाला है, उसका भी अलग से एक कॉम्बो का अरेंजमेंट होगा, वो अलग चीज है। याद रखिएगा, हमारे प्लेटफॉर्म पे अगर आप फी कंपेयर करिएगा बाकी से, तो बेटा सबसे पहले एक चीज बता दूं, मैं जो इंग्लिश पढ़ा रही हूं पिछले 20 सालों से, तो मैं सिर्फ यहां पढ़ा रही हूं, उसके पहले भी मैं पढ़ा रही थी, इसीलिए आप यहां का कंपैरिजन कहीं और से बिल्कुल नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो क्वालिटी एंड कंटेंट्स हम दे रहे हैं वो क्वालिटी एंड कंटेंट्स और वो एक्सपीरियंस दूसरे टीचर्स नहीं दे सकते। हाँ, अगर आपके पास पैसा नहीं है, बिल्कुल गोल्डन रूल्स बाय नीतू सिंह में आओ, चुपचाप से वहां पढ़ो, कोई जरूरत नहीं है वो कहीं भी जाने का। बेटा ये पूरा कॉम्बो है 3499 का। अब मुझे बताओ कि
फीस के मामले में अगर आप बात करोगे तो बेटा इससे बेहतर और मैं आपको ऑफर नहीं दे सकती हूं, क्योंकि जीएस मात्र 599 में। लेकिन बेटा ये तो अभी कुछ नहीं है। इसके बाद अगर आप यूपी पुलिस की बात करोगे, जितने लोग यूपी एसआई या यूपी कांस्टेबल की बात कर रहे हो, बेटा किसी भी प्लेटफॉर्म पे ये फीस नहीं होगा 499 का। किसी भी प्लेटफॉर्म पे ये फीस नहीं होगा। एकदम लोएस्ट फी जो हो सकता है वो भी किसका? लाइव बैच का बेटा, वीओडी का। और बेटा ये हमेशा नहीं हो सकता, ये हमेशा नहीं हो सकता, इसीलिए ये हम बता देते हैं आपको फॉर द नेक्स्ट 2 मंथ्स हम वैलिड रख सकते हैं। और याद रखना, अगर ये ऑफर जल्दी बंद हो जाए तो हम कुछ नहीं कर सकते। आपके पास अभी ऑफर है, इस महीना है अप्रैल में, आराम से ले लीजिए। ड्रीम पोस्ट बेटा 999 में 500 पेज का बुक कोई खत्म करा रहा है, और अगर मैं ये 520 पेज प्लस वोकैबुलरी, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस अरेंजमेंट, फिलिंग द ब्लैंक सब कुछ करा रही हूं, तो बेटा प्लीज इसके लिए आप मुझे कुछ और मत कहिए। और अगर फीस नहीं दे सकते हो तो मत दो, आप गोल्डन रूल्स बाय नीतू सिंह में पढ़ लो, इसी चैनल पे आपको कोई फीस देने की जरूरत नहीं है, आपकी मर्जी, फीस देना है दो, नहीं देना है मत दो। अब आती हूं मैं, जो ये बेटा मैं आपको बता रही हूं कुछ भी नहीं है जो अभी बता रही हूं। इसके बाद अगर आप इस सेशन को शेयर करोगे तो कुछ है जो मैं बहुत बड़ा धमाका करने जा रही हूं, इसीलिए आपको सजेस्ट करूंगी आप जल्दी से इस सेशन को शेयर कर लो। बेटा यूपी पुलिस एंड एसआई बैच लोग वीओडी दे रहे हैं 500 में, मैं आपको लाइव बैच दे रही हूं पूरा 500 में। टीचर्स आपको अपडेटेड कंटेंट्स पढ़ाएंगे। और आओ दिल्ली पुलिस की अगर हम बात करें तो दिल्ली पुलिस का पूरा कंप्लीट कोर्स हम 500 में दे रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हो सबकी शक्ल, सारे एक्सपर्ट्स है बेटा, कोई भी ऐसा वैसा टीचर नहीं पढ़ा रहे। यूपी पुलिस में हम किसी ऐसे उठाए गए टीचर को लेके नहीं आ गए हैं जिनको आप जानते तक नहीं है बेटा। पुष्पेंद्र सर है, मोहित क्वात्रा है, और सबसे पहले जो जीएस के धुरंधर है जो यूपी के बैचेस में जाने जाते हैं वो है रंजीत यादव सर, और हिंदी में जो सालों से हमारी पढ़ाइयां पढ़ा रही है दीपिका मैम, आप देख सकते हो सबको। उसके बाद बता दूं आपको दिल्ली पुलिस का जो टारगेट बैच है बेटा, उसमें आप देख सकते हो कोई इधर उधर के टीचर्स लेके नहीं आ रही हूं मैं, राणा सर को लेके आई हूं। पुष्पेंद्र सर यूपी पुलिस में है, राणा सर दिल्ली पुलिस में, वही मोहित क्वात्रा, वही जीएस की टीम जो आपको मुखर्जी नगर में पढ़ाती है। इसीलिए आप ये नहीं कह सकते हैं कि हम आपको यहां पे कोई फीस ऐसा ले रहे हैं कि चलो कोई भी फीस ले लो और किसी को भी बिठा दो। चलिए बेटा, हमारे टीचर्स मुखर्जी नगर में नंबर 1 पे हैं, यूट्यूबर नहीं है। तुम लोग यूट्यूबर को जानते हो क्योंकि तुम लोग यूट्यूब में देखते हो, ठीक है ना। बेसिकली क्या है ना, जब आदमी कुएं में होता है तो वो कुएं का मेढक बन जाता है बेटा, बाहर निकलो। जहां पर आके टॉपर्स पढ़ के जाते हैं, अब वो देखो कि कौन पढ़ के जा रहे हैं। चलिए यस, जल्दी से इसको शेयर करिए, उसके बाद मैं कुछ आपको बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ और अलग चीज का स्वैग चल रहा है, कुछ अलग चीज का स्वैग चल रहा है, इसलिए मैं कुछ अलग चीज बताऊंगी और बाद में बताऊंगी। और ये अननेसेसरी जल्दी से एफसीआई वगैरह का कमेंट मत करो बेटा, मैं उसके बारे में ऑलरेडी बात कर रही हूं। आप कुछ अच्छी चीजें बताओ कि और क्या है, खुद सोचो, क्योंकि मैंने कहा था कुछ ऐसा धमाका करने जा रही हूं जो कोचिंग इंडस्ट्री में नहीं हुआ होगा। बताओ क्या हो सकता है, जल्दी।